जिला अस्पताल में तैनात 21 डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा सौंप दिया, जिससे जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। अब सिविल सर्जन सहित 3 डॉक्टर्स के भरोसे जिला अस्पताल चल रहा है। अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी के चलते पूरे दिन मरीज उपचार के लिए दर दर भटकते नजर आए। इन डॉक्टर्स ने सिविल सर्जन पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अपना इस्तीफा सौंपा है। दरअसल कलेक्टर ने शुक्रवार को जिला अस्पताल में तैनात 2 डॉक्टर्स विकास जैन और अमित शुक्ला के भवनों को सील करवा दिया था। डॉक्टर्स का आरोप है कि सिविल सर्जन के गुमराह करने पर कलेक्टर ने ये कार्रवाई की है, जिससे सभी डॉक्टर्स पे नाराजगी है। इससे पहले भी सिविल सर्जन डीएस डिंडोतिया की कार्यप्रणाली को लेकर डॉक्टर पहले ही मोर्चा खोले थे। सिविल सर्जन के खिलाफ पहले भी डॉक्टर्स ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य विभाग को इस्तीफा सौंपने की चेतावनी दी थी। अब डॉक्टर्स ने सिविल सर्जन को पद से हटाने के बाद ही काम पर लौटने की चेतावनी दी है। तो सारे लोग बोल रहे हैं स्ट्राइक पे गए हुए हैं। अब ये स्ट्राइक किस बात की है, ये अंदरूनी मामला है, कुछ बता नहीं रहा है क्या है। इस पे प्रशासन भी और शासन भी और नेता भी गौर करें कि ये स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के लिए जो योजना ऊपर से आ रही है वो पब्लिक तक नहीं पहुंच रही है, इनको शीघ्र ही पहुंचाएं और उनको लोगों को स्वास्थ्य का लाभ। हम लोगों का 12 तारीख को बैठक हो गई थी और उसमें निर्णय लिया गया था कि अपन 2 दिवस का समय देकर शामिल करेंगे जो है त्याग पत्र, जिससे कि इनको जब तक पद से हटने नहीं जाता और उनकी निष्पक्ष जांच नहीं की जाती अपन कार्य पर नहीं लौटेंगे।